गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमें थोड़ा सा काम मिला है और हम जा रहे हैं मैं और कवल शिव जी के मंदिर पे दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हो हमारे साथ व्लॉग में बने रहे। बड़ी खुश। फिर यहाँ से हम चल पड़े, आप देख सकते हो ये गेट बंद करके, और वहाँ ये रहा ना, वहाँ पर हमें जाना है। आप हमारे ब्लॉग पे बने रहे। और ये तालाब आप देख सकते हो बहुत बढ़िया, वहां तक है, वहां से वहां, और हमें इस तरफ जाना है। और तौल कह रहा है यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन ट्राई करते हैं हम चलने का। खतरनाक है और जंगली जानवर नीचे है। हमें वहाँ तो नहीं है, लेकिन आगे चल के आ सकते हैं। आप देख सकते हो अब एक और दूरी था। आप देख सकते हो यहाँ पे रास्ता नहीं है, ऐसा रास्ता तो बहुत कठिन है। धवल ने हमारे के लिए रास्ता ढूंढ लिया है, आप देखिए। हमें लगी थी वहां पे कुछ लग गया कांटा, आप देखिए। अभी तो थोड़ा वहां से तो नजदीक लग रहा था मंदिर, लेकिन यहाँ आए हम अंदर, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कितना देर हमें लगेगी वहां पहुंचने में, वो कुछ नहीं दिख रहा है। और धवल बोल रहा है अब नीचे हमको उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रास्ता है। ओ लेकिन रास्ता बहुत कठिनाई भरा हुआ है, और हम यहाँ से चलते वो तो बंद है। यहाँ पे आप पानी देख सकते हो, पानी में भी कुछ हो सकता है। और ये जाल तो देखो आप, और यहाँ पे जाल बहुत है। वहाँ पे धवल का कुछ नहीं, यहाँ से आ जा। धवल कह रहा वहाँ से आ जा,
फिर हम वापस जा रहे हैं। और यहाँ धवल जहाँ से चला वहाँ से हम भी चल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे कांटे बहुत है, आप देख सकते हो वीडियो में, ये लगते हैं, चुभते हैं, ऐसे ऐसे बहुत दर्द करते हैं ये कांटे। और ये मकड़ी का जाल भी बहुत, आप देख सकते हो यहाँ रहा। ओह यहाँ भी देख सकते, वो हमारे बाल में भी बिछा देता है अच्छे से। और ये रास्ता तो बहुत कठिनाई वाला है। अभी तो हमारी सांस फूल के थोड़ी थकावट हो गई बहुत, लेकिन हार नहीं मानी, वहां तो पहुंचना ही है हमें, शिव जी के मंदिर पे। थोड़ी सी धूप हमें पे हमारे पे आई, आप देख सकते हो थोड़ा सा जंगल लगता है कम हो रहा है। अभी धवल बोल रहा है बीच में कुआं आएगा, कुआं से जितने हम चल गए उतना रहेगा। और ये देखो, और यहाँ पे क्या हो गया, फाइनली कुएं तक तो हम पहुंच गए, लेकिन ये हो गया रास्ता बंद है। हाँ थोड़ा सा चलने के लिए तो है, लेकिन क्या करें अब। ओ फूल को कांटे चुभ रहे हैं बहुत, हाले मोहरू चल फिर। फिर हमारी बारी आई अब चलने की, आप देख सकते पसीना बह रहा है। गिरना चाहे और अब ये देख सकते हो, अब रास्ता बस इतना ही, थोड़ा ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यहाँ पे कुआं देखने, अब धवल आधा ही रहा होगा ना, अब थोड़ा ही है। वो धवल ने बोला था कुआं, वो कुआं हमें दिख पड़ा है, आप देख सकते हो, दिखे तो आपको। ये देखो ईट भी है यहाँ पे, और ये कुएं की वो तार होती ना वही है। और नीचे से चल के हम पहुंच गए वहां तक, और अभी बहुत कांटे चुभे हैं हमें तो। ओह यहाँ पे देख सकते हो, और ये पैर पे भी लग गया। फाइनली अब रास्ता अच्छा आएगा और हमें कांटे भी नहीं चुभेंगे। बहुत कांटे लगवाए हैं आज तो हमने, लेकिन अब रास्ता बहुत अच्छा आ रहा है, आप देख सकते हो भागने जितना अच्छा आ गया है रास्ता तो। जितना खुश हुए थे उतना ही मूड ऑफ हो गया, जितना चाहा था उतना रास्ता अच्छा तो नहीं है, लेकिन
वहाँ से आके आए थे उससे तो भी थोड़ा बेटर है। ओहो थकावट। अब तो कभी नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे कभी चल के। अब देख सकते हो कर दिया। फाइनली इनको हम रानी की वाव दिखाने वाले। अभी और वाला कटाई वाला रास्ता आडोरेज फोन में मत। तो सही कटाई वाला रास्ता आ गया। फोन ले, फोन पकड़ मेरे। तो वो लागे हो गया। ये बहुत चैलेंज वाला काम है। जैसे कि डिस्कवरी में मैनिजुअल आता है वैसा। हमें अभी तक एक ही जानवर दिखा था जंगली, वो हमने वीडियो शूट थोड़ा सा किया था, लेकिन जो हमारे वीडियो में आया होगा तो। और अभी धवल बोल रहा है यहाँ से भागा, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ अभी और करना जाएगी। लेकिन रास्ता वो वहाँ से भी अच्छा आता है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए हम यहाँ से चले। और हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट प्यारे प्यारे कमेंट करें और ढेर सारा प्यार दिखाइए। हम ऐसे ही आपके लिए कांटे लगाएंगे और ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे हमारे ब्लॉग पे। अभी फाइनली उस छोर से हम वहाँ इस छोर पर पहुँच गए तालाब के। आप देख सकते हो हम आपको तालाब दिखाएंगे। अभी देख सकते हो आज इनको से चढ़ के दिखाता। वो वहाँ से अच्छा आने वाला रास्ता है नहीं? इस तरफ जाना है। आप देख सकते हो वहाँ से हम उससे यहाँ तक आके यहाँ भी। और ये धवल देख सकते हो आप धवल को। और यहाँ पे प्यारा सा छोटा सा झरना बह रहा है, हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो ये आपको हम दिखा सकते हैं यहाँ से यहाँ। और अगले अभी हम वापस आएंगे ना, तब आपको ये झरना बहुत, जैसे कि मैं छोटा था ना तब मेरे यहाँ तक पानी होता था। ये देख सकते हो जंगल वाला, यहाँ तक पानी बहता था और उस पानी से हम निकल के इसको आते थे। और अभी तो बहुत कम है, लेकिन तभी जब मैंने कहा था ज़्यादा पानी आया था तब यहाँ पे वो सब तोड़ दिया था। हम आपको दिखाते देख सकते हो
ये सब दिख रहा है ना आपको, ये और वो, ये सब पानी के बहाव ने तोड़ा था। बहुत पानी आ रहा था इसके लिए। फिर हम रास्ते से चल चल के आगे, और यहाँ पे पथराली जमीन है, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है। और आप यहाँ पे साफ पानी देख सकते हो, कितना साफ पानी है। यहाँ से हम चल पड़े वहाँ थी अडवन काट, और यहाँ फिर से वैसा रास्ता आ गया। तवल बोल रहा है अब रास्ता साफ है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे छोटा था तब आया करता था। अब मुझे पता नहीं है रास्तों की, क्योंकि हम वो रास्ते पे आए ना, वहाँ पे बहुत अच्छा रास्ता था तब, जब हम आया करते थे छोटे थे तब। और अभी तो आप देख सकते हो कितना बुरा रास्ता है। और यहाँ पे अभी बारिश नहीं है, लेकिन फिर बारिश होती तो यहाँ पे ये घास बड़ा होता, तब यहाँ पे भैंसे बहुत सारे चरने के लिए आती। वैसे मैं भी मेरे मामा के भैंसे लेके आता था, क्योंकि मेरे मामा के पास बहुत सारे भैंसे हैं, जैसे कि 20 20 20 तो होगी। और फाइनली हम मंदिर तक पहुंच गए, इतनी कठिनाई कर। लेकिन हमें प्यास लगी है पानी पीने की, लेकिन पानी तो होगा नहीं। आप देख सकते, देख सकते हो धवल आ रहा है। और हम फाइनली पहुंच गए, दर्शन करके हम यहाँ पर बैठे हैं। अभी देखा तो मंदिर का काम चालू है, इसके लिए हम थोड़े से आपको कुछ वीडियो दिखा नहीं सकते, इसके लिए हम यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए बैठे हैं। और यहाँ पे पानी पीने की सुविधा नहीं। हमने उन लोगों को पूछा था यहाँ